मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद भोपाल में सिंधु एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन और सिंधु सेना ने खुशी जताते हुए उत्सव मनाया। नागरिकता बिल के बारे में दुर्गेश केसवानी का कहना है कि इससे अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाइयों को भारत में नागरिकता मिलने का रास्ता खुल जाएगा। मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी माननीय अमित भाई शाह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो 70 साल की दुख 70 साल का दर्द 70 साल की पीड़ा 70 साल की जो वेदना थी निश्चित रूप से उस पर अब विराम लगने वाला है। जो पीड़ा और जो वहाँ धर्म की रक्षा के लिए जो लोग वहाँ से पलायन करके हिंदुस्तान आए थे निश्चित रूप से उनके लिए आज दिवाली जैसा दिन है। यहाँ पे अब नागरिकता बिल के होने से वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिल जाएगा और निश्चित रूप से एक जो जीवन जो एक पाकिस्तानी का जो टैग लग के जो हमारे समाज के लोगों पे लगता था कि आप पाकिस्तानी हो, उनको हीन भावनाओं से देखा जाता था, उस चीज़ से भी आज मुक्ति मिलने वाली है। 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे लेकिन आने नहीं मिली, नहीं मिली क्योंकि अभी 6 महीने हुए मुझे मिले, परिवार को नहीं मिली तो रोज जाते हैं घुमाते रहते हैं, कभी क्या है कभी क्या है भाई, आज कलेक्शन नहीं है अभी कौन है कभी नहीं है, छुट्टियाँ करते रहते हैं रोज जाते हैं। हम 15 दिन भी हम गया फिर 1 महीने बाद आना, मेरे कागजात जो है कम्प्लीट बने रखे हैं सिर्फ साइन के लिए रखे हुए हैं, जो साइन नहीं हो रही जो मेरे पास अभी हुआ है हमारे पहले ही कागजात सब कंप्लीट है, जो थाने की रिपोर्ट है दो दो बार हमने करवाई है, CID की रिपोर्ट कराई है सब दो दो बार हुई है हमारे। मैंने कम से कम 4 बार नागरिकता के कंप्लीट किए कागजात, ये चौथी बार मैंने अभी महीना भर हुआ है उसके प्रोसेस में लगा पड़ा हुआ, हर बार न्यू प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ये कागज़ है कभी ये कागज है, तो कंप्लीट कभी भी आइडिया कोई देता नहीं है, कौन सी भी ऑफिस जाओ कलेक्टर ऑफिस जाओ SP ऑफिस जाओ कभी भी तो नहीं होता। जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है प्रोसीजर हमें तो बहुत ही उम्मीद है, 100% हमको उम्मीद है कि ये अभी काम हमारा हो जाएगा। तीस सालों से अभी तक नागर न मिली है और अभी जो ये बिल पास हुआ है बड़ी खुशी है कि हमें सहूलत मिलेगी कहीं भी कारोबार करने के लिए, जैसे यहाँ अगर हमारा कारोबार सेट नहीं हो रहा है तो हम कहीं भी कारोबार कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हमारी दिक्कतें यहाँ पर तो कोई नहीं है, एक तरफ ये है कि भाई हमारे बच्चे जो है स्कूल में अगर दाखिला देते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पिताजी का नाम बताओ वो नेशनलिटी बताओ, तो वो बताते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो आगे बढ़ सकते हैं ना तालीम में कुछ कर सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को अपने PR को छोड़ नहीं सकते।